Very good morning, students. So today we are continuing with our chapter 19 in English grammar. Okay, we have completed the exercise C. Now we are moving towards the next one, that is exercise D. Now you see what we have to do: fill in the blanks with suitable prepositions. Okay. Now over here in this box we can see some prepositions are given, and we are also given here 10 blanks. Okay, so we have to select suitable words from here, suitable prepositions as per the sentence, and we have to fill in the blank. Okay, fill in the blanks with suitable prepositions. Now first we'll see what are the prepositions given to us: at, up, on, after, behind, around, among, for, on top of, in. Okay, now here see, first one, there is a beautiful painting dash the wall. मतलब हम कैसे बोलते हैं, वॉल पे ब्यूटीफुल पेंटिंग है. ओके, सो देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल व्हेन ऑन. नंबर टू, द बस अराइव्ड डैश 7:30 AM. अब टाइम कैसे बोलते हैं हम, बोलते हैं कम एट 8:30, कम एट 9. सो बस अराइव 80 एट, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट. द बस अराइव एट 7:30 AM. नंबर थ्री, व्हाट कैन आई डू डैश यू, लाइक मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एफ वर्ड फॉर. ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. नंबर फोर, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन. अब हमको पता है अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड घूमती है. ठीक है, सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ARUND. ओके, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. देन नंबर फाइव, राम इज हाइडिंग डैश द डोर. ओके, अभी हमको फ्रॉम पिक्चर पता चल सकता है राम इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मींस डोर के पीछे, BEHIND. ओके, राम इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर. नंबर सिक्स, द बॉयज रश्ड डैश द स्टेयर्स. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, द बॉयज रश्ड, हम हमको पता है अप या डाउन आता है, रश डाउन द स्टेयर्स या अप. सो यहाँ पे क्या हमको डाउन दिया हुआ है, नो अप दिया हुआ है, तो वी राइट अप. द बॉयज रश्ड अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स के ऊपर. ओके, नंबर सेवन, आई हिट माय बुक डैश द कबर्ड. मैंने अपनी बुक कबर्ड के ऊपर छुपा के रखी. ओके, आई हिट माय बुक डैश द कबर्ड. सो कबर्ड के ऊपर मींस ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. ओके, ओएन ऑन टी ओ पी टॉप ओ एफ ऑफ, आई हिट माय बुक ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. देन नंबर एट, वेडनेसडे कम्स डैश ट्यूसडे. वेडनेसडे ट्यूसडे के बाद आता है, मींस आफ्टर. ओके, आफ्टर ट्यूसडे कम्स वेडनेसडे. सो वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, विल राइट एफ हियर आफ्टर. नाइन्थ इज, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग डैश द पूल. चिल्ड्रन कहाँ स्विम कर रहे हैं, इन द पूल, पूल में, राइट. सो इन द पूल. देन वी डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन. अब हम कैसे बोलते हैं कि सब चिल्ड्रन में स्वीट्स बांट दो. ठीक है, सो वी डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन. ओके, ए एम ओ एन जी, दैट इज अमंग द चिल्ड्रन. देन ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड 10 ब्लैंक्स इन एक्सरसाइज डी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. अगेन सेम पिक्चर्स आर गिवन एंड हमको एज पर द गिवन पिक्चर वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. जैसे वेयर इज अखिल सिटिंग. अब अखिल कहाँ बैठा है, ट्री के नीचे. सो इट इज ऑलरेडी रिटन, अखिल इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ओके, अखिल इज सिटिंग UNDER अंडर ट्री के नीचे, अंडर अ ट्री. नंबर टू इज, वेयर इज कनिका सिटिंग. अब कनिका कहाँ बैठी है, सो वी कैन सी शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर. ओके, कनिका इज सिटिंग, सेम एज एज वी राइट, कनिका इज सिटिंग on a chair. कौन सा preposition, on, we have to put a word as preposition on it. Okay, Kanika is sitting on a chair. Then number three, where are the fruits kept. Fruits are kept कहाँ, हमको दिख रहा है basket में है. So the fruits are kept in a basket. क्या preposition use किया हमने यहाँ पे, in. Yes, the fruits are kept in a basket, that is BASKET. Next page,
number 4. Where is the pen? We can see the books ke beech mein hai pen. So the pen is between the books. Okay, between is the preposition here. BETWN. Between the books. Number 5. Where is the squirrel? Up. Squirrel ka hai wall ke upar, right? So the squirrel is on top of the wall. Okay, the squirrel is on top of the wall. Now number 6. Where is Angad hiding? Angad kahan chupa hua hai? Humko dikh raha hai tree ke piche, right? So Angad is hiding behind the tree. Okay, behind the tree means tree ke piche. BEHIND ye preposition hai yahan pe behind. Behind the tree. Number 7. Where is the lemon? The lemon is in the jar. Yes, so lemon hai wo jar ke andar hai, right? So the lemon is in the jar. Last number 8, where is the rose bush? The rose bush hai wo kahan pe hai? Tree ke baaju mein hai, right? The rose bush is near the tree. Okay, the rose bush is near, that is near the tree. Okay, so children, I hope you have understood what are prepositions. ठीक है, हमने definitions कर लिए and we have completed the chapter today. Okay, so just complete these exercises, two exercises that we did today. D and E in your grammar textbook and then learn. Okay children?